बेटा हमारा चल रहा था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। लास्ट वीडियो लेक्चर आधे में रुक गया था, ठीक है मैं कंटिन्यू करता हूँ। हम लोग पहुंचे थे एट द एंड ऑफ एवरी मंथ पे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में हम लोग पहुंचे थे एट द एंड ऑफ एवरी मंथ में। अब एट द एंड ऑफ एवरी मंथ में पीरियड आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स होगा 11 महीने, 30 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक 11 महीने होता है। और पीरियड आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स, तो 31 मार्च से लेकर 31 मार्च तक होता है 0 महीने। तो 11 महीने प्लस 0 महीने, 11 प्लस 0 अपॉन 2, तो एट द एंड ऑफ एवरी मंथ का फ्रैक्शन होगा 11 प्लस 0 अपॉन 2। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 11 प्लस 0 अपॉन 2, यहाँ पे 11 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 11 प्लस 0 11 अपॉन 2, तो यहाँ पे आएगा 5.5। तो हम 5.5 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे। अब एट द एंड ऑफ एवरी 2 मंथ्स, एट द एंड ऑफ एवरी 2 मंथ्स कैसे निकालेंगे? एट द एंड ऑफ एवरी 2 मंथ्स में, एट द एंड ऑफ एवरी 2 मंथ्स में पहले 2 महीने हमारे खत्म होंगे 31 मई पे। पहला मंथ हमारा अप्रैल खत्म हो गया, दूसरा मंथ हमारा मई खत्म हो गया। तो एट द एंड ऑफ एवरी 2 मंथ्स, तो 31 जुलाई, 30 सितंबर, 30 नवंबर, 31 जनवरी 23 और 31 मार्च 23। अगर एट द एंड ऑफ एवरी 2 मंथ्स लिखा हुआ है, अगर एट द एंड ऑफ एवरी 2 मंथ्स लिखा हुआ है, तो 31 मई, 31 जुलाई, 39, 30 November, 31 जनवरी, 31 मार्च। अब आप काउंट करोगे पीरियड आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स आएगा 10 महीने, क्योंकि 31 मई मतलब अप्रैल खत्म हो गया। पीरियड आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स निकालो बेटा, पीरियड आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स आएगा 10 महीने, क्योंकि मार्च खत्म हो गया, सॉरी अप्रैल खत्म हो गया, मई भी खत्म हो गया, अप्रैल वाला महीना भी खत्म हो गया, मई वाला महीना भी खत्म हो गया, 31 मई आ गया, अप्रैल भी खत्म हो गया, मई भी खत्म हो गया, बाकी कितने महीने बचे? 10 महीने। तो पीरियड आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स होगा 10 महीने और पीरियड आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स होगा 0 महीने। तो 10 महीने और 0 महीने, 10 प्लस 0, अब 10 प्लस 0 10 हुआ, 10 अपॉन 2 5 हुआ, तो इसका फ्रैक्शन होगा 5 अपॉन 12। अब एट द एंड ऑफ एवरी 3 मंथ्स, एट द एंड ऑफ एवरी 3 मंथ्स, ठीक है अब थोड़ा मैं फास्ट करते जाता हूँ। एट द एंड ऑफ एवरी 3 मंथ्स, तो पहली ड्रॉइंग्स के बाद होगा 9 महीने और दूसरी ड्रॉइंग्स के बाद होगा 0 महीने, तो 9 महीने और 0 महीने, 9 मंथ्स और 0 मंथ्स, 9 प्लस 0, 9 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे आएगा 4.5 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे। अब एट द एंड ऑफ एवरी 4 मंथ्स, एट द एंड ऑफ एवरी 4 मंथ्स, 4 महीने खत्म हो गए, 4 महीने खत्म हो गए, तो पहली ड्रॉइंग्स आएगी अप्रैल खत्म, मई खत्म, जून खत्म, जुलाई खत्म, पहली ड्रॉइंग्स आएगी 31 जुलाई पे, पहला ड्रॉइंग्स आएगा 31 जुलाई पे, फिर 4 महीने के एंड में। तो पीरियड आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स होगा 8 महीने और पीरियड आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स होगा 0 महीने, 8 और 0, 8 plus 0, 8, 8 divided by 2, 4 months. तो इंटरेस्ट जो आएगा वो 4 months का आएगा। अब एट द एंड ऑफ एवरी 6 months, एट द एंड ऑफ एवरी 6 months, एट द एंड ऑफ एवरी 6 months, तो पहले 6 महीने खत्म होंगे, पहले 6 महीने खत्म होंगे 30 सितंबर में, तो पीरियड आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स 6 months, पीरियड आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स 0 months, तो 6 plus 0 6 हुआ, 6 divided by 2 3 हुआ, ठीक है। पहला ड्रॉइंग्स जो होगा ना इसका एट द एंड ऑफ एवरी 6 months का, वो 30 सितंबर पे होगा, तो 30 सितंबर के बाद रह गए 6 महीने और 31 मार्च के बाद 0 महीने। अब एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, ये भी मैं समझा दूं, एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, अब इसमें बिगनिंग भी नहीं होता है, एंड भी नहीं होता है, एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, तो एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ ऐसा भी देख सकते हैं एग्जाम में कि 15th डेट और 16th डेट
ऑफ एवरी मंथ, ऐसा भी एग्जाम में दे सकते हैं, 15 डेट या 16 डेट भी मिडल ही हुआ ऑफ एवरी मंथ। अब एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ में मैं सारे डेट्स तो नहीं लिखूंगा, पर मैं ओरली बोल देता हूँ, एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ में पहला पहला ड्रॉइंग्स होगा 15 अप्रैल में, पहला पहला ड्रॉइंग्स होगा 15 अप्रैल 2022 पे, और ऐसे चलते 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 आखिरी ड्रॉइंग्स होगा 15 मार्च 2023 पे। तो पहला ड्रॉइंग्स हुआ 15 अप्रैल पे और आखिरी ड्रॉइंग्स हुआ 15 मार्च 23 पे। तो पीरियड आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ड्रॉइंग्स वो है 11.5 मंथ्स, पीरियड आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स 11.5 महीने, क्योंकि पहला ड्रॉइंग्स है 15 अप्रैल पे। तो पीरियड आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स 11.5 मंथ्स, और पीरियड आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स होगा 15 मार्च, मतलब हर महीने की 15 डेट, 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर, फिर 15 जनवरी 23, 15 फरवरी 23, 15 मार्च 23, तो 12 बार ड्रॉइंग्स होगा। अब पहली ड्रॉइंग्स के बाद बच जाते हैं 11.5 महीने, और आखिरी ड्रॉइंग्स के बाद बच जाता है 0.5 मंथ्स, तो 11.5 मंथ्स और 0.5 मंथ्स दोनों को ऐड करेंगे, 11.5 और 0.5 ये होगा 12, 12 अपॉन 2 आएगा 6, तो हम इंटरेस्ट निकालेंगे 6 महीने। तो ये सब नीचे जो है वो वर्किंग नोट्स में सब कैलकुलेशन बता रहा था कि कौन सा फ्रैक्शन कैसे बनाया मैंने, ठीक है, और फिर मैं सब जगह पे डिलीट और ऐड और डिलीट कर रहा था सारी बात। अच्छा, ये सारे फ्रैक्शंस में अपॉन में तो 12 ही आएगा, जैसे 6.5 अपॉन 12, 7 अपॉन 12, 7.5 अपॉन 12, 8 अपॉन 12, 9 अपॉन 12, क्योंकि मंथ्स है तो अपॉन में 12 ही आएगा सब में, फिर 5.5 अपॉन 12, 5 अपॉन 12, 4.5 अपॉन 12, 4 अपॉन 12, 3 अपॉन 12, और लास्ट में 6 अपॉन 12। ये हो गया हमारा 11 फ्रैक्शंस जो है इंस्टॉलमेंट सिस्टम के। वो आपको देखो, आप एग्जाम में अगर रट के जाते हो तो भी चलेगा, अगर आप लॉजिक से एग्जाम में जाके बना लोगे ये वाला फ्रैक्शन 6.5 वाला तो ज्यादा अच्छा, एग्जाम में जाके फ्रैक्शन लॉजिक से बनाओगे तो ज्यादा अच्छा, बाकी रट के जाओ तो भी चले, 6.5, 7, 7.5, 8, 9, ठीक है, और यहाँ पे है 5.5, 5, 4.5, 4, 3, और रटने से इतने ज्यादा रटाबाजी होगी नहीं, लॉजिक से बनाओगे तो ज्यादा अच्छा। ये इंस्टॉलमेंट सिस्टम के 11 फ्रैक्शंस थे, एक बार मैं स्क्रोल कर देता हूँ सारा स्टार्टिंग से, लिख लेना अच्छे, मैं और भी बहुत एग्जांपल्स बताऊंगा। टाइप 3 अभी हमारा बाकी है, ये टाइप 3 भी बाकी है, टाइप 2 में और भी डिटेल में एक्सप्लेनेशन है टाइप 2 में, तो धीरे धीरे संस्कृत आ जाएगा। ये पहला एग्जाम्पल, मतलब पहला टाइप लमसम वाला, ये इंस्टॉलमेंट सिस्टम जो टाइप 2 है हमारा, ये सब रूल समझा रहा था मैं, सारे फ्रैक्शंस बता रहा था इस वीडियो में। ठीक है, ये जो पहले इसके पहले वाले वीडियोस में एग्जांपल बताया था, तो सब अच्छे से लिखो, शुरू करो। लिखते रहो बेटा।